ऊंट पर सवारी करना एक आनंददायक घटना है। ऊंट रेगिस्तान के जहाज के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह गर्मी रेगिस्तान में भी पीने के पानी के बिना रह सकता है, कभी-कभी एक सप्ताह के आसपास या इससे भी अधिक। जब हम ऊंट पर एक घर्षित सवारी करते हैं तो हमें लैंडिंग की प्रक्रिया के दौरान बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि लैंडिंग के दौरान ज़्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं। भारत में ऊँटों की आबादी लगभग 5 लाख है, लेकिन ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ही फैले हुए हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। दुनिया में लगभग 190 मिलियन ऊँट पाए जाते हैं और अधिकतम आबादी सोमालिया में है। ऊँट एक परिवार की तरह रहता है। ऊँट ने प्राचीन समय से आज तक कानून, व्यवस्था, रक्षा और लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तत्कालीन बीकानेर राज्य के विश्व प्रसिद्ध गंगा रिसाला को इंपीरियल सर्विस डॉग के रूप में स्वीकार किया गया है और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय में भी भाग लिया है। ऊंट ने राजस्थान के पश्चिमी भाग में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण करते समय इंजीनियरों की मदद की है। वर्तमान में ऊंट वाहिनी भारतीय अर्धसेना सेवाओं की सीमा सुरक्षा बल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, तो ऊंट भी हमारा सुरक्षाकर्मी होता है। ऊंट नाजुक मरुस्थलीय इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण पशु घटक है। अपनी अनूठी जैव शारीरिक विशेषताओं के साथ ऊंट शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए चुनौतीपूर्ण तरीकों के अनुकूलन एक प्रतीक बन गया है। ऊंटों को खाते समय इनके मोटे होंठ उन्हें उन चीजों को खाने की भी अनुमति देते हैं जो अधिकांश अन्य जानवर नहीं खा सकते, जैसे कांटेदार पौधे। ऊंट शाकाहारी होते हैं। जब पानी उपलब्ध हो तो पानी पीना ऊंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल 13 मिनट में लगभग 113 लीटर पानी पी सकते हैं। इनके शरीर किसी भी अन्य स्तनधारी की तुलना में ज़्यादा अधिक तेजी से निर्जलीकरण करते हैं। जब थोड़ा भोजन और पानी होता है तो ऊंट का कूबड़ वसा पानी छोड़ता है। 9.3 ग्राम वसा 1.13 ग्राम पानी छोड़ता है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ऊंट भोजन या पानी के बिना 6 महीने तक जीवित रह सकता है। ऊंट बहुत उपयोगी है। इसकी हड्डियाँ, फर, त्वचा और दूध बहुत उपयोगी है। यहाँ आप ऊंट की हड्डियों और दांतों के तैयार विभिन्न गहने पा सकते हैं। इसके लिए एक विशेष रासायनिक उपचार यानी एसिड, यहाँ तक कि चाय या कॉफी से भी उपचार की आवश्यकता होती है। ये ऊंट त्वचा द्वारा तैयार किया गया छोटा सजावटी ऊंट है। बीकानेर में ग्राम लाडेरा ऊंट उत्सव होता है। हर साल ऊंट उत्सव पर्यटकों, व्यापार और यहाँ तक कि प्रतियोगिताओं के लिए एक केंद्र रहा है। लेकिन आखिरकार ऊंटनी का दूध जो महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर आरपी अग्रवाल से। कैमल मिल्क में हमने रिसर्च की कि कैमल मिल्क 1 लीटर में अप्रोक्सीमेटली 52 यूनिट इंसुलिन लाइक मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने कैमल मिल्क पिलाया, क्योंकि ऐसी कोई परमिशन की जरूरत थी नहीं। तो कैमल मिल्क पिलाया तो 1 साल में इतने सरप्राइजिंग रिजल्ट आए कि बच्चों की 30% इंसुलिन रिक्वायरमेंट बच्चों की कम। और इंटरेस्टिंगली, जब बच्चों को हमने 2 साल तक कंटिन्यूसली कैमल मिल्क पिलाया 500 ml, तो ये देखा कि 12 बच्चों में 4 बच्चों के टोटल दे आर डिपेंडेंट ऑन दी ऑन कैमल मिल्क, कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट टोटली बंद हो गई। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हमने 4 बच्चों के इंसुलिन बंद करवा दी, इंजेक्शन बंद करवा दिया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई। ये थोड़ा नमकीन है लेकिन सुखारे स्वाद है। यह नमकपन ऊंट द्वारा रेगिस्तान में खाए जाने वाले पौधों के प्रकार के कारण हो सकता है। ऊंट के दूध को अन्य दूध की तुलना में कमरे के तापमान पर अधिक समय तक रखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि ताजा ऊंट का दूध 8 घंटे तक रखा जा सकता है। 30 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चरीकृत ऊंट का दूध 4 से अधिक 10 दिनों तक रखा जा सकता है, और जब लैक्टोपरोक्सीडेज सिस्टम सक्रिय होता है तो ताजा दूध 30 से लगभग 20 घंटे तक संग्रहित किया जा सकता है। इसका दूसरा पहलू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे रायका कम्युनिटी के हैं, रायका कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो शुरू से कैमल मिल्क पीती है, तो उनमें प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज ओनली 0.15%, जबकि दूसरों में 6.5 है। मतलब उनमें नेग्लिजिबल, 0 प्रिवेलेंस ऑफ डायबिटीज के। इसका मतलब कैमल मिल्क का प्रोटेक्टिव रोल है। अगर शुरू से पिया जाए या होते ही शुरू कर दिया जाए तो हो सकता है इंसुलिन बंद हो जाए। ऊंट के दूध में उच्च सांद्रता में इंसुलिन होता है, लगभग 40 IU/ml। यह मधुमेह के लिए इसकी क्षमता को खोजने का एक कारण है। ऊंटनी के दूध में इंसुलिन की उच्च सांद्रता के कारण इसका सेवन मानव में टाइप 1 डायबिटीज के प्रतिबंध में प्रभावी भूमिका निभाता है।
ऊँटनी के दूध से विभिन्न उत्पाद जैसे दही, लस्सी, आइसक्रीम, गुलाब जामुन आदि तैयार किए जाते हैं। ऊँट नाच बहुत खूबसूरत है। जब ऊँट नृत्य करता है तो ये उसकी प्रवृत्ति और मानव के साथ संबंध दर्शाता है। ऊँट का नृत्य मनोरंजन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। आप राजस्थान के लोक नृत्य में से एक कालबेलिया को पा सकते हैं और ऊँट में प्रतिबिंबित हो सकते हैं। त्योहारों में ऊँट अलग-अलग रंगों में आते हैं। लेकिन आखिरकार ऊँटनी का दूध जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ऊँटनी का दूध पिएं और मधुमेह को दूर करें।